हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? भगवान की कृपा से आप ठीक ठाक होंगे। और ये देखो क्या कर रहा है, मैच खेल रहा है, मतलब मैच गेम जो भी है वो खेल रहा है। और ये देखो, हेलो करो। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, आप तू आलू के पराठे खाएगा? हाँ, नहीं देने क्या? खा ले, कितने खाएगा? पांच बना देना। पांच बना दूँ? ये देखो मिर्ची पड़ी है, मिर्ची खाएगा? मिर्ची डाल देना। अच्छा, मिर्ची डाल दूँ? लो मिर्ची खाओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मिर्ची खाओ, मिर्ची खाओ। नहीं नहीं, दो चार खा लो, कच्ची थोड़ी डाल। एक खा के देखो, एक खाओ, थोड़ी सी डाल दो। दाल नहीं खाओ? कच्ची नहीं, नहीं कच्ची खाते हैं। तो कुछ सब्जी वब्जी खाते हैं? सब्जी वब्जी नहीं है। ये देखो सारी सफाई हो गई, अच्छे से सफाई कर दी। ये देखो मेरे हस्बैंड को नहा धो के तो लिया, यही पटक के चले गए। अब ये उठाएगा कौन यहाँ से? और चल फिर पराठे बनाए, बंद कर उसको। चलो 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 जल्दी आओ, चलो नाश्ता बनाते हैं किचन में। चलो भाई किचन में सबसे पहले नाश्ता देखें। ओहो, चाय बन गई। अब जरा गैस ऑन कर दें, गैस ऑन करवा रखा। अब बनेंगे आलू के पराठे। ये रहा आलू का मसाला, ये दूध कुछ करे पीछे, आलू इधर, ये इधर, लाइटर को रखेंगे उधर, सूखा आटा इधर। बनाते जाएंगे ये आटा रखा है गूंद के। चले भाई, अब इसको आटा पराठे बनाए। चलो पराठे बनाते हैं। अब पराठा बनाए, मस्त सा पराठा। इसके अंदर थोड़ा तेल लगाएंगे। मिर्ची नहीं डालोगे? अभी रुक जा, तेल मिर्ची बहुत। ये इतना दबा के आलू, दबाए बिना तो मस्त मजा नहीं आता। और दबाया का ये तो रखा है, डाला है अभी, बहुत सारा दबा के डाला है। ये मिर्ची थोड़ी डालू? नहीं नहीं, और डालू? और लाल मिर्ची खाते ही बस 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 बस। और डालू? और डालू? नहीं नहीं, हाँ डाल दो। कितनी मिर्ची लेगा? हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे 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 फोल्ड, इसकी चोच निकालेंगे ऐसे। देखो ये क्या बना है, मस्सा। इसको ऐसे ही तल दूँ? तल दो आलू के पराठे को, मस्त लगेगा। पराठा फ्राइड आलू पराठा, गोल वाला। ओ, आलू की वो लिट्टी चोखा होता है, आलू की लिट्टी क्या होता है, वो बना देते हैं। अब हम बनाएंगे आलू पराठा। हिमांशु तेरे लिए पराठा बनाऊं क्या? हो गई तेरी पाठ पूजा? अब मैं देखो कितना बड़ा बनाती हूँ इसको, पूरे तवे जितना बनाऊं। फर्स्ट क्लास। देखो तवे जितना हम बनाएंगे आलू का पराठा। देखा, आलू इतना भरा है जो बाहर भी निकल रहा है। मजा तो अब आएगा, वाव। चकले जितना तो हो गया बड़ा, अब इस तवे पे रखते हैं। जो आएगा नहीं तवे पे। आ गया। देखा, थोड़ा सा और बच गया, यहाँ से साइड से थोड़ा और बच गया, मगर आ गया। वाव, आलू का पराठा देखो पसंद है? ओहो थैंक यू, मैं ढूंढ रही थी, मेरा पलटा खा गया, कोने में रखा हुआ छुपा के। अच्छा, अब देख गैस तेज कर दूँ, इधर चाय भी रेडी करूँ। चाय के बिना तो आलू का पराठा खाया नहीं जाएगा। गलत, छाछ के बिना। छाछ, दही और इसमें डालेंगे जम के तेल और घी, मक्खन। डाइट वाले बोलेंगे कितना क्या है, क्या हो गया? पकड़ अभी, रुको
अभी आलू का पराठा बन रहा है। वाओ, आलू का पराठा वैभव खाएगा भाई, आलू का पराठा खाके ना थोड़ा मोटा हो जाइयो। लोग कहते हैं आलू के पराठे खाते हैं मोटे हो जाते हैं, मगर मेरे बच्चे तो हुए नहीं आलू का पराठा खा के मोटे। वाओ, आलू का पराठा, हम इसको होने दे कड़क। चाय हो रही है रेडी, बताओ टूट गया, मगर इसका मैं ढूंढ रही हूँ, मेरे को इसका मिल ही नहीं रहा हैंडल, कितना ढूंढा हैंडल नहीं मिला, मगर ये पतीला ऐसा है मैं इसको फेंक भी नहीं सकती, इसलिए मैं इस पतीले को यूज़ करती, जब मिलेगा मिलेगा, जब तक ऐसे ही यूज़ करूँगी। चलो जी, लो जी आपका आलू का पराठा रेडी है, और कर फिर और तेल भी। हाँ, पराठे वाले वालों की तरह, पराठे वाली गली की तरह, दिल्ली के पराठे वाली गली की तरह तेल। वो शायद कढ़ाई में बनाते हैं, एक बार खाए थे बहुत पहले, बहुत बहुत साल पहले। हाँ, अब याद नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम। हाँ, वो न तो था चल ले, ले जा अपना पराठा और डाल इसमें मक्खन, जियो जी भर के खाओ। जियो दे जा रू मैं छोरे भाई, मक्खन निकालू मक्खन दिखाओ, मक्खन चलो, चाकू आलू का पराठा। अब नाश्ता वास्ता खा लिया, अब बनाएंगे कड़ी, सिंधी कड़ी, सिंधी है हम। चलो धीमी करते, पतीले में बनानी है, आप चाहे तो इसको कुकर में भी बना लेना। अब ये एक कच्ची तेल की, तेल तो अच्छे से डालना है, कटोरी नहीं है इसमें डाला है, कच्ची माप के इसमें डाला है। अच्छा, ये गया तेल, तेल सबसे पहले, ठीक है, तो ये डाला, चलो तेल डल गया। उसके बाद ये देखिए जीरा है इसमें, और ये बीच में ये देखिए काली कलौंजी, जीरा और कलौंजी है, इस सबसे पहले मैं ये डालूंगी, ये एक एक चम्मच निकाल के रखा है, ये वाला डाला है मैंने, तो सबसे पहले जाएगा जीरा और कलौंजी, ये गया जीरा और कलौंजी। उसके बाद डालूंगी मैं हींग, हींग का एक चम्मच, क्योंकि कड़ी बननी है वो बेसन की होती है, एक छोटा चम्मच हींग का, ये हो गया गैस धीमी, ये गया हींग का एक चम्मच, फटाफट से अब इसको अच्छे से पहले घुमा लूँ। वाओ, इसमें भी बड़ी खुशबू आ रही है, ये है बेसन, ये दो कड़छी मैंने बेसन की ली है, अब डालूँगी मैं ये बेसन, ये गया जी बेसन, ये देखो बेसन डाला मैंने, ये देखिए अब ये बेसन बिल्कुल अच्छे से धीमी धीमी आंच में भूनना है, जब तक इसका कलर लाल ना हो जाए, आप कुकर में भी बना सकते हैं और पतीले में भी, अगर पतीले का तला मोटा हो तो पतीले में, स्टील के पतीले में मत बनाना, नहीं तो स्टील का पतीला जल जाएगा, आपका बेसन भी जल जाएगा, तो या तो बनाना कुकर में या मोटे पतीले में जिसका तला मोटा हो उसमें। अब ये बेसन भूनता जा रहा है, मैं बना रही हूँ स्टील के पतीले में, इसका तला मोटा है इससे मैं इसमें बना रही हूँ, और फिर भी मैंने इसको धीमी आंच पे रखा हुआ है, तेज आंच पे नहीं रखा, जलने का खतरा ना हो जाए। और ये देखिए मिर्ची हल्दी डालनी है इसमें, और ये इमली का पानी रखा हुआ है मैंने, ये है
काले चने, सफेद चने, ये सफेद चने हैं। आप चाहे तो मटर में डाल मटर डाल सकते हैं। मेरे हस्बैंड मटर नहीं खाते, तो मैं इसमें ये सफेद चने डालूंगी। और साथ में ली है मैंने ये कुछ सब्जियाँ, कुछ हाँ उसमें कुछ के नाम नाम क्या है, सबके कुछ ही नाम है। सबसे पहले ये है ग्वार की फली। ग्वार है ना, हम ग्वार है तभी ग्वार खा रहे हैं। नहीं नहीं, ये ग्वार है, ग्वार नहीं है, ग्वार, ग्वार की फली। उसके बाद ये भिंडी, आलू, आपकी फिंगर, लेडी फिंगर, हाँ मेरी फिंगर, लेडी फिंगर है, और ये आलू। इन दोनों को मैंने फ्राई करके रखा है, ग्वार को फ्राई नहीं किया है। और ये है भेज, जिसे बोलते हैं कमल ककड़ी। कमल, हाँ कमल ककड़ी है। कमल, ये नमक डाल के मैंने इसको बॉयल करके रख दिया था, ठीक। और ये है कितनी, पांच मिर्ची, पांच छह मिर्ची, जो पांच या छह टोटल हो गई, दो दो चार पांच, एक और छह, देख सही काउंटिंग करी मैंने, ये छह हरी मिर्ची। जब ये थोड़ा लाल हो जाएगा तो मैं इसमें, और जो मिर्ची नहीं खाते, जो मिर्ची नहीं खाते वो नहीं डाले, अगर जो खाते हैं तो वो डाल सकते हैं। ये हो रहा है, लाल हो रहा है। दादी तो और चीजें डालती थी, इसमें तो कम चीजें। कितनी होगी, एक दो तीन चार पाँच, हाँ और भी डलती है, अरबी डलती है, टिंडे, टिंडे डलते हैं, और ड्रम स्टिक डलती है। वो अब मिल नहीं रही ना ड्रम स्टिक, तो इसलिए नहीं डाली। और बाहर निकलना नहीं है, बाहर लेने जाना नहीं है, जो यहाँ पे आते हैं सब्जी वाले वो मिली नहीं। ऑनलाइन कब काम आएगा, ऑनलाइन अब उसके इंतजार में बैठी रहूँगी, ड्रम स्टिक के इंतजार में, तो मेरी कड़ी तो बनी। आप जितनी सब्जियाँ इसमें डालेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा, मैंने तो थोड़ी सी डाली है, इसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। गोभी नहीं थी, गोभी मिली नहीं रही, और इस सीज़न में गोभी दिख रहा है, बारिश थोड़ी हो रही है, कीड़ा वड़ा निकला गया तो गोभी, तो गोभी तो पड़ती है, मगर अच्छी हो ना गोभी, अभी अच्छी कहाँ है। गोभी तब रहे खाने में मज़ा आए, मतलब इससे भी देखना कितना टेस्ट आएगा। ये देखो, वाओ आ क्या खुशबू आ रही है, देख कितनी मस्त खुशबू आ रही है, वाह खुशबू सूंघ रहे। अब मैं डालूंगी इसमें मिर्ची, बीच में कट करके ना, देखना हाँ कट कर लिया, अब ये मिर्ची डाल के, चलो ये सही डाले, तीन लाल तीन हरी, हाँ तीन लाल तीन हरी, उनको ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसको ज़्यादा गुस्सा आ गया ना, हरी हरी को लाल हो गई गुस्से में, ये हो गया, शर्म के मारे भी लाल होते हैं, ये शर्म के मारे लाल हो गई, गुस्से के मारे लाल हो गई। ये देखो गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है, तो गर्मी लगेगी ना, एसी लगा दूं किचन में, किचन में एसी लगाएगा तो सारा धुआं तो वैसे ही फैलेगा, फायदा किचन में एसी लगाने का, बाथरूम में लगा ले है ना, मस्त ठंडा ठंडा नहा ले, कुल्फी जम जाएगी नहाते नहाते, नहाते नहाते कुल्फी, हम भी जम के निकलेंगे बाहर। ये देखो लाल हो रहा है, अच्छे से लाल होना चाहिए, जब तक ये लाल नहीं हो ना मज़ा नहीं आता। अच्छे से तो लाल का एक ही मतलब है कि जल गया। अच्छा जी, ये देख तभी तो कलर आएगा कड़ी में, ये देखियो कितनी बढ़िया सी लग रही है। चलो 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 जी, अब इसमें हम डालेंगे हल्दी और मिर्ची, ये गया हमारा हल्दी और मिर्ची, चलो जी ये मिल गया, और ये डालेंगे हम इस पर सारा पानी, सारा जितना घर में आता है सारा, नहीं नहीं एक पतीला, एक पतीला, हाँ सारा का मतलब ये थोड़ी होता है, देखा कलर है ना बढ़िया कलर एकदम। अभी हम पानी डालेंगे इसमें, ये गया ये गया, डिपर से मिक्स कर लो, नहीं नहीं ये देखिए छोटा सा पतीला पानी का, आप समझ लो इसमें चार गिलास पानी के डाले मैंने, चार गिलास, चार गिलास, हाँ चार गिलास पानी के, ये वाले चार गिलास, डेढ़ कटोरी बेसन की में चार गिलास पानी के, और बाकी मसाले एक एक चम्मच, बाकी आप देखिए मसाले कैसे खाते हैं उस हिसाब से। अब सबसे पहले हम डालेंगे चने, जो कि देर से गलते हैं ना, चने तो, चोर गर्म, हाँ लो
सबसे पहले जाएंगे चने, ये भी पानी के साथ गए चने, चने गए। अब ये सब्जियां बांधने, थोड़े चने गल जाएंगे। चल चल दिखा ये, अरे ये डाल देते हैं चनों के साथ, डालेंगे ये बे गल जाएंगे ना, कमल ककड़ी बे, हाँ ये भी गल जाएंगे। ये लो जी ये बे भी डाल दिया हमने इसमें। उसके बाद डालेंगे हम ये ग्वार की फली, ग्वार ग्वार, चलो ये आलू, ग्वार खा रहे, आलू और भिंडी डालेंगे हम बाद में। आलू खा लो उसमें से, खा ले एक आलू ले ले, क्योंकि ये दोनों फ्राई किए हुए ले ले, वो मैंने फ्राई थोड़ा कच्चे टाइप में रखा है, ये और इसमें बॉयल होगा ना, फिर छोड़ो। मैंने खा के तो देख गल ही गया होगा, आलू गला हुआ आपका है। और अब डालूंगी इसमें एक चम्मच, ये देखिए ये वाला चम्मच नमक का, एक चम्मच नमक का, ये गया नमक का चम्मच। चलो आप ओल्ड हो गए, आपको नमक कम खाना चाहिए। एक चम्मच तो डलेगा, नमक के बिना फीका फीका कैसे अच्छा लगेगा। ये देखिए देखिए क्या कलर आया, सब्जियां मैंने डाल दी। अब मैं इसको थोड़ी देर इसको धीमी आंच पे रख दूंगी पकने के लिए। हाँ हाँ ढक्कन लगाती हूँ, ढक्कन भी लगेगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब इस पे ढक्कन लगेगा, ये उल्टा ढक्कन, बस ऐसे धीमी धीमी सब्जी साइड में तो निकालो, खोलोगे कैसे बाद में। चलो ये लो, अब धीमी धीमी सब्जी गल जाएगी, उसके बाद हम डालेंगे भिंडी और आलू। अच्छा इसमें आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, अभी मैं इसमें बाद में डालूंगी कड़ी पत्ते, रुक जाओ मैं कड़ी पत्ते भी लेके आती हूँ। चले चलो जी कड़ी पत्ते लेने चलते हैं। हमने किधर है कड़ी पत्ता, इधर तो नहीं है, उधर है बोरा। वाओ क्या पूरी खुशबू आ रही है। एक डंडी दो डंडी ले लेते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। दे रहे दो डंडी कड़ी पत्ते, ओ सारे आओ आगे। चलो जी अब इसमें डाल दे कड़ी पत्ता थोड़ी उबली, चल डाल देते। हाँ खुशबू कितने घर के कड़ी पत्ते की खुशबू, तो वाओ ये गए कड़ी पत्ता। चलो जी कड़ी पत्ता भी डाल दिया, ये बाद में लास्ट में, ये याद करा ना भून न जाना, भिंडी और आलू डाल दें। चलो इसको रख देते हैं, ला चावल दे, चावल भी चढ़ा दूँ, चावल दे चावल। चावल कौन से, अच्छे वाले या गंदे वाले? महंगे वाले चावल हैं अच्छे पूरे। चलो मैम अच्छे चावल है ना, कितने अच्छे बनेंगे, एक एक दाना खिला खिला बिल्कुल। अब हम डालेंगे इसमें कितना तेल तैर रहा है ऊपर, तो तैरने दे तू भी तैर इसमें तेल के साथ, इसमें भी चावल में भी एक चम्मच नमक का। चावल तो फीके रखते हैं? नहीं नहीं हम नहीं खाते, पापा खाते हैं फीके चावल, कोई नहीं खाता फीके चावल। एक चीज नमकीन एक एक चीज फीकी, नहीं नहीं चावल नमक वाले हम खाते हैं, फीके कभी खाए हैं हमने? बताइए जरा, क्या पता दादी के टाइम खाए। ना 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 दादी ना दादा, बचपन से नाना नानी भी नहीं, कोई नहीं खाता फीके चावल, नमक वाले खाते हैं चावल। चलो अब चावल बने, अब इसके ढक्कन भूल लिया, ढक्कन है नहीं। एक ढक्कन अभी रखते हैं ढक्कन को, ये रहा ये इसका ढक्कन। ओ इम्मा तेज किसने करी कड़ी को? आपने? मैंने, इसका ये है ते, इसका ये, चल हो गया। कहाँ चले? तो शांति से बनने दे, चलो शांति से बनो, आराम से बनने दे। चलो कहाँ चले? अभी थोड़ी एसी में बैठ के, गर्मी लग रही है, थोड़ा पानी वानी पिए। पानी निकालूं? हाँ।
लो पियो पानी पियो पहले ग्लास में ऐसे पी लेना ऊपर से नहीं नहीं लाते थोड़ा इसमें डाल ग्लास में पीना चाहिए पानी अच्छा छोड़ो पियो पहले आप पियो मैं मिक्स करूंगी ये ठंडा है बहुत ठंडा चलो पियो पानी पियो मजा आ गया बहुत बोतलें भरी है सुबह से मैंने संडे तो भरनी पड़ेगी आज ठीक है मिलते हैं ब्रेक के बाद कहाँ चले जी देखो दिखाओ ये सारे हो गया अब एक मिनट छोला देख लूँ छोले 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 चाकू चाकू किस लिए ये देखो छोले पट से झट से पट से गल गए छोले डाल दिए और अब हम डालेंगे ये भिंडी और आलू चाकू चम्मच नाम की भी चीज़ होती है वो होती है मगर मेरी लिस्ट में नहीं है मेरी डिक्शनरी में नहीं है ये देखो ये मैंने भिंडी और आलू डाल दिए और थोड़ा गैस तेज कर लूँ और ये है इमली का पानी ये रहा इमली का पानी आप जितना खट्टा खाते हैं उस हिसाब से कड़ी को खट्टा कर लेना जितना चटपटा खाते हैं उस हिसाब से कर लेना मैंने पूरा डाल दिया अगर कम होगा तो थोड़ा और डाल दूंगी ये देखिए ये मस्त लग रही है बस इसमें एक दो उबाल आएगा फिर रेडी हो जाएगी एक दो उबाल अभी आना है हाँ हाँ थोड़ा बस इमली का जो पानी डाला है वो थोड़ा पक जाए ना अच्छा इमली तो का पका के ही डाल देते उबाल के नहीं ऐसे ही डलता है कच्चा तभी तो इसमें भी तो स्वाद आएगा ओके बस आप धनिया चाहे तो धनिया ले डाल सकते हैं इसमें ऊपर से मस्त बढ़िया अच्छी बात है सीखने को मिल गई मुझको भी आप ना तो आपके पीछे खा लूं बना के कड़ी हाँ मतलब रोज कड़ी बना के खाएगा तो क्या हो गया है ना चलो अब इसको उबलने देते हैं दो उबाल आते हैं फिर गर्मा गर्म खाते हैं यहाँ पे चावल भी रेडी हो गए हैं दिखाओ चावल देखो कितने अच्छे बने हैं चावल मक्खन डाले चावल में हाँ चल डाल देना मक्खन डाल देना या इसमें डाले कड़ी में कड़ी में मक्खन डलता है चावल में डालने अगर तेरा मन है तो डाल नहीं मन है तो नहीं डाल दादी जैसे डालती थी वो घी डालती थी तो चावल के ऊपर डालते हैं घी खत्म है तो हम मक्खन डालेंगे चल ठीक कल रात को पूछा था आपसे मम्मी घी ला के दूं आपने कहा था नहीं संडे को पापा के साथ सामान में लाना है चले बाद में लाएंगे ये देखो बस उबाल आ रहा है अब हम इसको प्लेट में डालेंगे अब दिखाते हैं कितनी मस्त बनी है ये लीजिए बस दो उबाल आ जाए उसके बाद हो जाएगा चलिए कहाँ चलिए वाओ देखो जी हो गई कड़ी तैयार ये देखो कितनी मस्त कड़ी हो गई फर्स्ट क्लास आप टमाटर भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला टमाटर ज़्यादा खट्टी हो जाएगी टमाटर नहीं डाला ये देखिए कितनी अच्छी बनी है अब मैं दिखाती हूँ आपको चावल भी दिखा देंगी तू कह रहा था ना दिखा देखो चावल एकदम खड़ा खड़ा देखना खड़ा 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 कहीं तो लेटा हुआ अरे लेटा लेटा चावल देख ये देखो कितने बासमती राइस खड़े खड़े बिल्कुल ये देखो एक एक दाना देखो एक एक दाना ये देखो एक एक दाना आप देख सकते हैं देखिए कितना अच्छा लग रहा है एक एक दाना देखिए चल कड़ी कड़ी डालिए अब लीजिए कड़ी कितने रुपए प्लेट अब क्या बताऊँ मैं मैंने दुकान तो खोली नहीं अगर होती तो मैं इसको कितने में देती पापा से तो मांगोगे प्लेट के पैसे पागल है क्या पापा से कोई प्लेट के पैसे मांगता है पॉकेट मनी आपकी प्लेट के पैसे तो होते ले ले ढेर डाल दिया
ये डाल दिया, क्या कहते हैं, चने डाल दिए, ग्वार डाल दी, भिंडी नहीं डाली, ले भिंडी ले, मिर्ची नहीं डाली, मिर्ची भी डालूंगी, ये ले भिंडी पकड़, हाथ जल गया, बहुत गर्म है, तो क्यों पकड़ा कटोरी, भिंडी भिंडी आजा आजा आजा, भिंडी भिंडी आजा 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 आजा, भिंडी भी आ गई, मिर्ची भी आ गई, आ गई भिंडी मिर्ची आ गई, और कुछ पापड़, हाँ ये पापड़, ये पड़ा, ये हो गया प्रॉपर सिंधी लंच, पापड़ कढ़ी चावल एकदम बढ़िया सा, ये देखिए अब मैं खा के बताती हूँ, मैं खाऊंगी या तू खाएगा, आप खाओ, मैंने अभी मीठा कुछ खाया तो मैं बाद में, चलो मैं खाती हूँ, वाह 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 क्या चावल बने हैं, फर्स्ट क्लास, देखो जी आप भी खाइए, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, चलो मैं लंच इंजॉय करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।